हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ग्राइसोफ्लुविन टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। ग्राइसोफ्लुविन एक रिजर्व एंटीफंगल मेडिसिन है। इस टैबलेट का प्रयोग जब किया जाता है जब दूसरी एंटीफंगल मेडिसिन्स काम नहीं करती। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह एक एंटीफंगल मेडिसिन होने के साथ साथ एक एंटीबायोटिक मेडिसिन भी है। लो बैक्टीरियल इक्विटी रहने के कारण इस टैबलेट का प्रयोग एज ए एंटीबायोटिक मेडिसिन के रूप में यूज नहीं किया जाता। ग्राइसोफ्लुविन आपको सिर्फ ओरल प्रिपरेशन में मिलेगी, यानी कि ये आपको टैबलेट फॉर्म में और सिर्फ फॉर्म में मिलेगी। आज हम ग्राइसोफ्लुविन टैबलेट के बारे में बात करेंगे, कैसे ये काम करती है, क्या इसकी यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, कौन सी फंगल इन्फेक्शन में काम नहीं करती और कौन व्यक्ति इसको ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, कितने टाइम तक इसको लेना चाहिए, क्या इसकी स्ट्रेंथ होती है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ग्राइसोफ्लुविन टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। ग्राइसोफ्लुविन टैबलेट एक हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्रन एंटीफंगल मेडिसिन है। ये हमें तीन स्ट्रेंथ में मिलती है, जैसे कि 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम। ग्राइसोफ्लुविन एक जेनरिक नेम है, यानी कि कंपोजिशन का नाम है। जब भी आप किसी केमिस्ट स्टोर पर इस टैबलेट खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ ब्रांड्स नेम पता होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बता देता हूँ ताकि आपको इस टैबलेट को खरीदने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ग्राइसोविन FP टैबलेट, ग्राइसोफ टैबलेट, ग्राइसोजेन टैबलेट, ग्राइसोफ्लुविन V टैबलेट, फुलविसिन टैबलेट, इकोविन टैबलेट, इवाफ्लुविन टैबलेट, ये कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इनके नाम से आप इस टैबलेट को आसानी से खरीद सकते हैं। अगर आपको अपने एरिया में ये भी ना मिले तो आप इसका जो कंपोजिशन है ग्राइसोफ्लुविन वो बता के आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। अब हम इसके यूज के बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि एक एंटी फंगल मेडिसिन है, तो एंटी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इस टैबलेट का प्रयोग रिंगवर्म, जैसे कि आपके कहीं भी ऐसे पार्ट्स पे रिंगवर्म हो गया जहाँ पे आप हेयरी एरिया, यानी कि जहाँ पे बाल उगे हुए हैं, जैसे कि आपकी बियर्ड होगी, सिर हो गया या कहीं पे भी ये इन्फेक्शन है, वहाँ पे क्या होता है, खुजली होने लगती है और जो रेडनेस हो जाती है और जो अंदर की परत होती है वो उतरने लगती है। तब डॉक्टर के द्वारा हमें ये टैबलेट एडवाइस की जाती है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। साथ ही नेल इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और एथलीट फुट, यानी कि जो आपके पैर की उंगलियाँ हैं या पैर के जो उंगलियों के आसपास का एरिया है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी डॉक्टर के द्वारा हमें ये टैबलेट एडवाइस की जाती है। साथ ही जो कि नाम की बीमारी, इसमें क्या होता है, ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स भी होते हैं जहाँ पे स्किन फोल्ड होती है, जैसे कि कान के पीछे, गर्दन के नीचे, जहाँ पे भी इनर पार्ट्स में जहाँ पे भी स्किन हमारी फोल्ड होती है वहाँ पे ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। उस चीज़ को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा हमें ग्राइसोफ्लुविन टैबलेट एडवाइस की जाती है। इन सभी फंगल इन्फेक्शन में इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, परंतु फिर भी कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शन है जिसमें इस टैबलेट का प्रयोग नहीं किया जाता। वजाइनल इन्फेक्शन में ये काम नहीं करता। साथ ही हमारे शरीर पर वाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं, तब भी ये टैबलेट काम नहीं करती है। अब हम बात कर लेते हैं किन किन पेशेंट्स को ये टैबलेट नहीं दी जाती। किसी व्यक्ति को ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, साथ ही किसी व्यक्ति को लीवर की प्रॉब्लम है, या कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, वह व्यक्ति जो पेनिसिलिन से एलर्जिक है, ये बीमारी जिन भी पेशेंट्स को है उन पेशेंट को ये टैबलेट नहीं दी जाती। अगर आपको इनमें से कोई बीमारी है तो एक बार अपने डॉक्टर को जरूर बताएं ताकि आपको ये टैबलेट नहीं दी जाए। अगर आप कोई महिला है तो कंट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ कर रही है, उसके साथ में आप ग्राइसोफ्लुविन टैबलेट ले रही हैं, तो आपको इसके साथ में टैबलेट नहीं लेनी, क्योंकि उस टाइम में जो कंट्रासेप्टिव पिल है वो अपना काम नहीं करती है। साथ ही आपको प्रेगनेंसी है वो ठहर सकती है, इसलिए इस टैबलेट को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। साथ ही वारफरीन, फेनोबारबिटोन और एल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये कुछ सावधानी है जो आपको बरतनी है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। पर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो देखने को मिलते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि सिर में दर्द, गले में खारापन रहना, मुँह में छाले होना, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, जैसे कि मरोड़े आना, गैस बनना, स्किन रैशेस हो सकते हैं, मांसपेशियों और हड्डियों के जोड़ों में दर्द हो सकता है और WBC भी लो हो सकती है। ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। ये अगर इनके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स अगर आपको देखने को मिले तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके।
अब हम बात कर लेते हैं रेसोलुशन टैबलेट की डोज के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि जो पेशेंट की डोज है वो उसकी बॉडी वेट, उसकी जो एज है और जो उसको प्रॉब्लम है, तीनों चीज़ों को देख के तब डॉक्टर के द्वारा इसकी जो डोज है वो कैलकुलेट की जाती है। एडल्ट में बात करें तो हम, जैसे कि आपको पता है कि इसकी जो एमजी है यानी कि कितने मिलीग्राम में आती है, 125, 250 और 500। तो अगर आप 125 मिलीग्राम की ले रहे हैं तो आपको 4 टैबलेट लेनी पड़ेगी, और अगर आप 250 एमजी की ले रहे हैं तो आपको 2 टैबलेट, और अगर आप 500 की ले रहे हैं तो आपको दिन में 1 टैबलेट लेनी पड़ेगी। ये इसकी पर डे की डोज है, यानी कि डेली ही आप इसकी जो 500 मिलीग्राम की टैबलेट है वो ले सकते हैं। अगर आपका जो फंगल इन्फेक्शन वो बहुत ही ज़्यादा है तो इसको 750 एमजी तक भी इस टैबलेट को दिया जा सकता है, और 1000 एमजी तक भी दिया जा सकता है। ये आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर रिंग वर्म इन्फेक्शन के बारे में बात करें तो इस टैबलेट को 3 वीक तक दिया जाता है, 3 वीक में ये आपका जो इन्फेक्शन है उसको ठीक कर देता है। अगर आपको हेयरी एरिया में प्रॉब्लम है यानी कि हेयरी एरिया जो आपका उसमें फंगल इन्फेक्शन है तो 4 से 6 हफ्ते तक उस इन्फेक्शन में इस टैबलेट को दिया जाता है और जो आपका इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है। आपके जो हाथों के नेल्स हैं उसमें इन्फेक्शन हुआ है तो आपको 4 से 6 महीने लग सकते हैं। अगर आपको यही इन्फेक्शन अगर पैर की उंगलियों में यानी कि जो पैर के नाखून हैं उनमें हुआ है तो आपको 6 से 12 महीने लग सकते हैं। ये इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।